था और मैं इतना होशियार था कि जो मुझे बिजनेस बताने आया था उसको भी बता दिया तू भी मत कर। इतना होशियार था मैं, सच बताता हूं। मैंने 2 साल ही बिजनेस नहीं किया जब मुझे बताया गया तभी। 2 साल के बाद आप फॉलो अप करते ना, फॉलो अप। मेरे लीडर ने मेरा फॉलो अप किया, 1-2 दिन नहीं 2 साल किया। ऐसे ग्रेट लीडर हमारे फाउंडर लाडले डायमंड श्री दयानंद सर को तहे दिल से वंदन करता हूं, जिसने 2 साल मुझे समझाया राजेश तू कर ले, इसमें बहुत पैसा है। मैंने 2 साल समझाया उनको, तू छोड़ दे बर्बाद हो जाएगा। 2 साल लगे मुझे बिजनेस पाने के लिए, और 2 साल के बाद जब मैंने बिजनेस चालू किया ना, तभी उन्होंने मुझे पहला चीज बताया, देख तू बहुत टैलेंटेड आदमी है, तू बहुत होशियार है। मैंने आप ही एक आदमी है जिसने मुझे पहचाना, नहीं तो मेरे बाप ने भी मुझे नहीं पहचाना आज तक। वो बोलता है तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैंने 8 साल अलग अलग बिजनेस किए, 8 साल, 4 साल मैंने ऐसे डायरेक्ट मार्केटिंग की है जहां पे फेल रहा। मैंने होटल चलाया 2-2.5 साल, एक दुकान चलाई 1.5-1.5 साल, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस बहुत सारे मैंने किए। 8 साल बिजनेस किया, मैं LIC का एजेंट भी रहा हूँ इन द ईयर ऑफ 97। मैंने IRDA उस समय होता ही नहीं था, डायरेक्ट मुझे ये मिली थी इंश्योरेंस की एजेंसी। आज तक मैंने किसी की पॉलिसी नहीं निकाली, मेरी खुद की पॉलिसी किसी और ने निकाली। देखो कैसा एजेंट था, फेल। जिंदगी में मैं हमेशा फेल रहा, और मेरे घर पे मुझे बोल दिया गया था तू नालायक है, किसी काम का नहीं है। और मेरे पूरे खानदान में, पूरे रिश्तेदारों में मैं फेमस था, यादव का लड़का नालायक है। 8 साल यार, 8 साल मैंने काम किए, 1 रुपया नहीं कमाया। और मेरे घर पे एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस घर पे पैसे नहीं आते हैं ना, उस घर पे बिना बुलाए झगड़े आते हैं। सही बात है, देख लो, जिनके घर पैसा नहीं आता है ना, उनके घर बहुत झगड़े होते हैं। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो ना? आपके घर भी आते क्या झगड़े? क्या आता, पैसा कि झगड़ा? मेरे घर पे भी पैसा आया नहीं तो झगड़ा आया, तो बहुत झगड़े हुए, बहुत झगड़े हुए। और मेरे माँ बाप से गुस्से में कई बार मुझे बोला तू नालायक है, किसी काम का नहीं, तू घर में नहीं रहने का, तू घर से निकल जा। मैं भी गुस्से में निकल गया, जाओ बहुत घर है मेरे पास, तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। निकल गया घर से गुस्से में, पूरा दिन भटका, रात को वापस गया। रात को कहाँ जाऊंगा? मेरी माँ बोलती थी सुबह तो बहुत टाइम में गया था, मैं बोला कल वापस चले जाऊंगा, क्योंकि अपनी लाइफ ही कैसी थी। मुझे घर पे रहना पसंद नहीं था, क्यों? घर अच्छा नहीं, ऐसा नहीं था, घर ठीक ठाक था, इसलिए कि लोगों से उधार बहुत लिए थे यार, मांगने वाले बहुत आते थे। और मेरे माँ बाप को 2 तार सुना के जाते, क्योंकि मैं मिलता नहीं था, और जब मैं रात को जाता तो मुझे सुनाते थे। ये मेरी हालत थी, मैं बहुत सारे कब्जे में डूबा हुआ इंसान, पैसे एक भी नहीं, और वैसे ही घर में झगड़े होते। तो सबसे खतरनाक हमारे घर में कौन होता है पता है? पौने, पौने आपले नाते भाई, अपने घर में आएंगे, अपने सोफा, अपने ही पंखा, अपना कांडा पो, अपना चाय, अपने को लेक्चर। कई कामाचन है सिकले का मानूस है, अच्छा कई कम मुझे पता अभी बोलेगा अपनी भाग जाओ, बोल जिसको बोलने का, जैसे भी रात को आते तब तक वो या तो गायब है या तो सो गया, तो अभी भाग जाएंगे, क्योंकि बहुत खतरनाक प्राणी है ये। करते कुछ नहीं, प्रवचन बहुत देते, मुझे भी बहुत प्रवचन दिए। मैं भी बोला मेरे मामा को गलती हो गई, बच्चे से ही गलती होती यार, तभी बच्चा ही था ना यार, क्या करूं मैं, गलती हो गई माफ कर दो, जाओ 2 लाख। हाँ मदद मांगी यार, उनसे नहीं मांगू तो किससे मांगू? फिर क्या बोलते पता है क्या, हमसे कहते नहीं है, मतलब तेरे पास नहीं मेरे पास नहीं, एक ही है ना अपन। क्या फर्क है यार दोनों में? शिकायत कितनी बड़ी बड़ी बात सुना रहा है, फिर बोलते ऐसा नहीं मैंने किसी का लिया नहीं है, मतलब तुझे दिया ही नहीं किसी ने, हमको बहुत ने दिया है, अपनी वैल्यू है, क्रेडिट है, क्रेडिट समझता है क्या?
के क्यों एडिट नहीं तेरे यार, वो एकदम बोलते तुम पागल है क्या, शांति से खा शांति से सो समझ, इतना बड़ा बड़ा मत बात किया कर, नहीं एक दिन जाएगा किधर, उस समय विजय माल्या नहीं था, नहीं तो उसके साथ ही जाता अपन। लाइफ बहुत बेकार हो गई थी, वस्त लाइफ हो गई थी, वस्त समझते एकदम बेकार, जो आता वही दो गाली देके जाता अपने को। और एक दिन मेरे बापू ने मुझे आखिरी वार्निंग दे दी, और उन्होंने बोल दिया अभी घर में तुझे रहना है तो मैं जो बोलूंगा वही कर, नहीं तो तू जा इस घर से, तो दूसरा ऑप्शन बोले है ही नहीं। अब उनको ये नहीं बोल सकता ना तुम जाओ घर उनका है, ठीक है। मैं भी बहुत दुखी था परेशान था, क्योंकि वो वक्त ना, सच बताता हूँ, बिना पैसों की लाइफ ना जीना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक एक रुपया मैं जानता हूँ कितना मुश्किल से आता है यार, 10 रुपये लेके जेब में फीडबैक करना बहुत मुश्किल काम होता है, 20 रुपये उधार लेके 100 रुपये उधार लेके किसी आदमी के पास दिन भर घूमना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं घर से सुबह जल्दी निकल जाता है, दबा भी नहीं, कौन दबा बनाएगा 7 बजे यार अपने लिए, तू सदा जाता कहाँ ये तो बता, कौन सी नौकरी है तेरी, अपने भी नहीं पता कौन सी नौकरी है, तो कौन दबा देने वाला है। अपन ऐसे ही जाते थे, फिर कहीं वड़ा पाव खा लिए, भजी पाव खा लिए, ऐसी गाड़ी चलती थी अपनी, और ऐसे दिन हम लोगों ने गुजारे है। और उस दिन मैंने डिसीजन किया, ठीक है बापू जो बोल रहे हैं वही करना है, अब मुझे नौकरी करना है, मैंने नौकरी चालू कर दी। कुछ साल मैंने नौकरी किया, लेकिन वहां पे भी मेरा कुछ हुआ नहीं, मैं वापस इस बिजनेस में आया। और जब उन्होंने बिजनेस समझाया था तो मैंने किया नहीं, 2 साल बाद में उनको जाके बोला सर मुझे ये बिजनेस करना है, और फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और उन्होंने मुझे पहला लेसन ये दिया था, तू बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, बोला सर आप एकदम सही बोले, लेकिन मेरे घर के लोग उल्टा बोलते यही होशियारी ना तेरी दुश्मन है। बोला क्या बात करते, बोला इसी होशियारी के वजह से आज तू कर्जे में माइनस 25-26 लाख है। बोला फिर क्या करूं, तुझे अगर ये बिजनेस करना है तो एक चीज लिख ले, तू वो काम नहीं करेगा जो तुझे अच्छा लगता है। बोलो फिर क्या करूंगा मैं, वो तू वो काम करेगा जो बिजनेस बोलता है, जो मैं तुझे बताऊंगा, जो बिजनेस का नियम है तुझे वो करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, बोल करेगा क्या। बोला ठीक है कर दूंगा, लेकिन आप ये पहले बोलो पैसा आएगा कि नहीं ये बताओ पहले, तो पैसा भी तो चाहिए ना, नहीं तू बोलेगा घूमते मसाला पैसा ही नहीं आ रहा। बोले पैसा आएगा इसकी गारंटी, बोला लिख के दो। बोला लिख के देता हूं, बोल लाइफ टाइम पेपर। बोला यार आदमी पावरफुल है यार, तू लिख के देने को तैयार है। बोला बस हो गया इतना बोल लिया वही बहुत है, 2 साल से तुमको देख रहा हूं मैं। बोला ठीक है आप जो बोलो करूंगा, पैसा आना चाहिए याद रखना, नहीं आएगा तुमसे लूंगा, कंपनी वंपनी नहीं जानता मैं। बोले मैं दूंगा, मेरी गारंटी, गारंटी देना चाहिए यार, लीडर वो होता है जो गारंटी देता है। ये लीडरों ने कईयों को गारंटी दी, इसके लिए यहाँ तक पहुंचे आगे, और उन्होंने मुझे गारंटी दी थी राजेश तू पैसा कमाएगा। मैंने ठीक है चलो बिजनेस चालू किया, शुरू में पार्ट टाइम किया, कुछ दिन के बाद में फुल टाइम किया। और वो दिन है आज का दिन है, मैंने अपना दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं किया, जो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता था फिर भी मैंने किया। मुझे ऐसे मीटिंग में आके बैठना मुझे भी नहीं अच्छा लगता, ऐसे 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिठाते पागल की तरह, ये आया बजाओ ताली, वो आया बजाओ ताली, क्या नाटक है ये, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। वो उसको माला देता, उसको टोपी देता, खुद ही नाचते हैं खुद ही जाते, क्या कैसा है। और उससे ज्यादा गुस्सा कब आता था पता है मुझे, साला गेट पे एक आदमी खड़ा बोलता 15 दिन में आत्मा दे जा, 100 दिन में आत्मा दे जा, आदमी लिया ना आपसे, मुझसे भी मांगते थे। मैं एक बार अपने लीडर को बोला भी, कई बार बोला सर एक काम करो ना यार, आप लोग आते कोई 5 करोड़ कोई 25 करोड़ 10 करोड़ कमाया है, वो 150 गरीब से मांग तो शर्म आनी चाहिए। सही बात है या नहीं है। बोले तुझे क्या बोला था, दिमाग लगा, नहीं ये जस्ट सजेशन है, दिमाग नहीं लगा, वो 50 करोड़ गाली देके दिया, ले सर उधार मांग के लाया तो ले, भी बोलता है जा अंदर बैठ, अंदर बैठ गया, भी बोलता है बजाओ ताली, कितना बजाओ साला सुनते नहीं तुम लोग, बड़ा उल्टा होता है ये बिजनेस। भी बोलते आ गए साहब खड़े हो जाओ, मैं कहीं को खड़ा हुआ आ गया तो आने देना, वो सब चीजें करनी, फिर जैसे मीटिंग में जाना ट्रेनिंग में जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं गया हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में गया, क्योंकि मेरे लीडर ने बोला था तू वो सब काम करेगा जो मैं बोलूंगा। मैंने वो सब काम किया, मीटिंग में जाना ट्रेनिंग में जाना। और मैं एक चीज और बताता हूं, दूसरा नियम इस बिजनेस का, मीटिंग और ट्रेनिंग में जाने की आदत डालो आप, चाहे अच्छा लगे या ना लगे आप जाओ, बार बार जाओ, हर बार जाओ, वही वही चीज सुनेंगे लेकिन जाओ। कई लोग मीटिंग के बाद माइक कैसा करते हैं, 2 जीवन और जीवन 12% भाई तेरे बना
अरे माही तो मजा आत्मा दे, जिस दिन वो आने लगेगा ना तब माइट होगा, फिर बोलने से नहीं होता है। और मैं गया हर मीटिंग हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में गया, मुझे अच्छा नहीं लगता था। दो दो दिन की ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ, बोलते आरती भी बोला ये कौन सा नाटक है, बोलते दो दिवस ऐसा के 3000 दो दिन क्या सिखाओगे मैं दो दिन में, चलो कॉलेज में दो लेक्चर नहीं बैठे अपन, और ये आके बोलते दो दिन सीखना पड़ेगा। गया लेकिन वहां पे गया, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग हर सब कुछ आदत डाली, और उसी मीटिंग ट्रेनिंग का नतीजा है जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो -25-26 लाख था, और इस मीटिंग ट्रेनिंग का नतीजा है आज महीने की 25-30 लाख की आमदनी मेरी। आदत बनाइए इसकी।